यार विधायक नाराज चल रहे थे जेजेपी से, क्या उनको मनाने का प्रयास है? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हमारे भी संपर्क में है। देखिएगा, अब हम ये कहें कि उन्हें हमारे संपर्क में है, ये चलता रहता है, राजनीति है, कोई किसी के संपर्क में, कोई किसी के संपर्क में है। लेकिन आज मैं ये बात आपको फिर इंश्योर कर रहा हूँ कि हम प्रदेश का गांव की जो जिम्मेवारी मिली है उसको आगे बढ़ाएंगे और एक ऐसा बदलाव जिसको आने वाली पीढ़ी याद रखेंगे, हम गांव की तरफ लेके जाने लग रहे हैं। ये जो अनुसूचित कार्यक्रम में आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, स्टेजों पर मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ, ये एक बदलाव लेके आएगा गांव को, शहरीकरण की तरफ हमारा ये एक बड़ा कदम कह सकता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में थे, हमने पूछा कि बीजेपी विकास का दावा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि विकास नहीं है तो विनाश करने वाली सरकार। देखिए, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, वो विपक्ष है, उनका यही बनता है, उनको यही कहना चाहिए, पर वो हमारी खूबियां थोड़ी गिनाएंगे भाई। उनका भी 10 साल का कार्यकाल था, शासन जनता ने उनको दिया था उस टाइम, जो ये आज बताइए कम्युनिटी सेंटर में आपको बिल्डिंगों के फोटो भिजवाऊंगा, आप सोच के देखिए कि ये गाँव में ही ऐसे ऐसे मल्टीपल फैसिलिटी के साथ एक किस्म से मिनी सेक्रेट कहोगे गांव का, ई लाइब्रेरी है, जिम है, कभी सोचा था किसी ने? महिला संस्कृति भवन है, व्यायामशालाएं हैं, हम पार्क बनाने जा रहे हैं, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट 4,000 करोड़, अभी माननीय मुख्यमंत्री संवाद प्रोग्राम में आपने देखा होगा, हमने जहां पानी भराव की परिस्थितियों से ज़्यादा खराब थी उसको साथ के साथ उसको क्लियर करने का आदेश दिया। तो हम गाँव का भला चाहते हैं, प्रदेश का भला चाहते हैं, हम काम कर रहे हैं, उसका लाभ मिल सके।